आपका स्वागत है इंग्लिश प्लेयर में। आइए एक नया शब्द लेते हैं, हुज, किसका, किसके, किसकी, जिसका मतलब होता है हिंदी में। तो ये वाक्यों से हम समझने का प्रयास करेंगे, तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो। हमारा वाक्य क्या कह रहा है, तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो। दूसरा वाक्य देखिए, तुम किसकी किताबों का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ करते हो और यहाँ कर रहे हो, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना, कौन से टेंस में है। तो उस आधार पर देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो हुज उसके बाद क्या, बुक करते हो तो किताबों है तो बुक्स हो जाएगा। डू यू यूज क्वेश्चन मार्क, तुम किसकी किताबों का प्रयोग कर रहे हो। हुज बुक्स आर यू यूजिंग क्वेश्चन मार्क। तो ये नियम आपका पिछले जो शब्द में हमने सीखा था वही, ये प्रश्नवाचक शब्द, फिर नाम या संज्ञा, नाउन जो भी हम इस्तेमाल मिला रहे हैं वो नाम, फिर सहायक क्रिया प्लस कर्ता और फिर वर्ब जिस स्वरूप में होगा एंड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, एक दो उदाहरण से इसको समझते हैं। हम अब किसकी सलाह लेंगे, हुज किसकी सलाह, एडवाइस, हुज एडवाइस किसकी सलाह। अब ये हो गए हमारा, अब हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, डू लेंगे, तो लेंगे तो ये हो जाएगा सेल, सेल वी टेक नाउ। हम अब किसकी सलाह लेंगे, होस एडवाइस सेल वी टेक नाउ। तुमने किसकी सलाह ली, रजिन प्रपे होस एडवाइस, एडवाइस हैव यू टेकन क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने ये देखा और उदाहरण लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। तुम किसकी सलाह लोगे, तुम किसकी सलाह लोगे, ये हो जाएगा हुज एडवाइस विल यू क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या सीखा कि होस का प्रयोग प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन या नेम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।